हे गाइस वेलकम बैक टू चैनल। तो यहाँ पर देखो याया को मैंने अभी अभी इसे बहुत ही मुश्किलों से उठाया है। तो उठाने के साथ साथ मैंने इसे ब्रश करने को कहा तो वो बोल रहा है कि मम्मा आप करा दो आप करा दो। तो यहाँ पर मैं इसका ब्रश करा देती हूँ। एक्चुअली बहुत दिनों से इसका स्कूल बंद था ना, तो आज उठने में थोड़ा सा लेट हो गया मुझे भी और इसे भी। ऐसा ही होता है जब भी लॉन्ग छुट्टी मिलता है तो हम दोनों को आलस आ जाता है। तो आज बहुत ही दिनों के बाद ये स्कूल जाएंगे। आई थिंक 5-6 डेज हो गया स्कूल बंद था इसका। तो आज इसीलिए हम दोनों उठने में लेट हो गया, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर उसे ब्रश करा के उसे मैं यहाँ पर स्कूल यूनिफॉर्म पहले पहना दे रही हूँ। उसके बाद ब्रेकफास्ट उसे मैं कराऊँगी। रोज़ सुबह तो मैं यही करती हूँ, ऐसा होने से आसान हो जाता है। आप पहले उसको उसका स्कूल यूनिफॉर्म पूरा पहना के उसका टिफिन विफिन पैक करके उसके बाद आप आराम से उसको ब्रेकफास्ट खिला सकते हैं। ऐसा होने से टाइम भी थोड़ा सा बचता है जिसे मुझे लगता है। ऐसा होकर आप खाने का साथ साथ उसे बेच सकते हैं। आप पहले उसे खिलाओ फिर उसका स्कूल यूनिफॉर्म पहनाओ, ऐसा होने से मुझे और लेट लगता है। इसीलिए मैं यहाँ पर हर रोज़ वही करती हूँ। आज भी मम्मी ने उनसे हम दोनों तो लेट ही उठना था होगा, मम्मी भी बीच बीच में उठाया है और अलार्म भी बीच बीच में बजते रहे। ऐसे ऐसा हो के हम दोनों फाइनली उठ गया। मम्मी तो सुबह ही उठाए बोला, हमको बता रही थी वो 5 बजे उठ के नीनी ने आया है, बोले उसको बहुत ही गर्म भी है पासीघाट, ऊपर से बस्ती में ऐसे उठने का उसका आदत है। तो उठ के हम लोग का बरंदा को बहुत ही अच्छा से साफ कर दे, बहुत बरंदा का आसपास बहुत ही घास फूस उठ गया था, उसे बहुत सुबह से वही वो साफ कर रहा था, बोला मम्मी। तो चलिए मैं इसे ड्रेस पहना के इसे ब्रेकफास्ट खिला के मैं इसे भेज देती हूँ। और मम्मी भी सुबह से 5 बजे से उठाए, वो भी आई थिंक उसे भी भूख लग गई होगी। तो सबसे पहले इसे खिला पिला के पहले स्कूल भेज देती हूँ, उसके बाद मम्मी हम लोगों का भी मैं ब्रेकफास्ट बना के मम्मी को भी जल्दी से खिला देती हूँ। वो लोगों तो बस्ती में सुबह सुबह जल्दी खाने का आदत है। इसे देखिए मम्मी सुबह सुबह उठ के यही पर काम कर रही थी। ये ग्रास बहुत ही बड़ा बड़ा हो चुका था तो मम्मी ने बहुत ही अच्छा से इसे साफ कर दिया है। और यहाँ पर देखिए मैं किचन पर आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने हम लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ रोटी। सबसे पहले मैं आटा को गूंद लेती हूँ, उसके बाद इसे थोड़ा रखूँगी, उसके बाद मैं पम्पकिन की सब्ज़ी बनाऊँगी। मुझे रोटी के साथ पम्पकिन की सब्ज़ी बहुत ही पसंद है। और यहाँ पर देखिए बन भी चुका है फटाफट से, ये है पम्पकिन। और आज बहुत मुझे कुछ मीठा भी खाने मन हो रहा था तो मैंने यहाँ पर बनाए है मीठा में सेवई। और ये देखिए गर्मा गर्म रोटी, तो मम्मी को मैं जल्दी से बुला के खिलाती हूँ, वो भी रुक रहा है। और हस्बैंड का तो मैं ऑलरेडी मैंने पैक कर दिया है और वो तो लेके भी चला गया है। और यहाँ पे बनाए है मैंने बीट रूट और वाटरमेलन की जूस, जो कि बहुत ही रिफ्रेशिंग है। आजकल हम लोग हर सुबह पीते हैं, कभी कभी स्किप कर लेते हैं, लेकिन जब भी बीट रूट लाते या कुछ लाते तो मैं ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि बीट रूट आपका हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, स्पेशली आपका ब्लड को बढ़ाने में। इसीलिए मैं जो भी जूस बनाती हूँ उसमें मैं बीट रूट डालना नहीं भूलती हूँ। तो यहाँ पर मैं चख के देख रही हूँ मेरे रोटी, जो कि बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट बनी है, मैं खुद की तारीफ कर रही हूँ। और यहाँ पर सेवई भी बहुत ही टेस्टी बना है। यहाँ पर मम्मी को मैंने कहा ट्राई करके देखो ये बीट रूट का और वाटरमेलन का जूस कैसे है बताए, तो देखिए अपने हाथों से इशारा कर रही है, मैं हंसने लगे तो वो भी हंस रही थी। तो यहाँ पर मम्मी हम दोनों ने तो ब्रेकफास्ट भी कर लिया। और ये देखिए मैं कहीं जाने के लिए तैयार हो रही हूँ, कहीं मतलब मम्मी के साथ, उसका यहाँ पर ऑफिस में कुछ काम है। तो मम्मी भी अंदर में रेडी हो रही है और मैं बाहर पर, ये देखिए क्योंकि आज बहुत ही कड़क धूप है, आज नहीं बहुत ही दिनों से बहुत ही धूप है। तो सबसे पहले इसलिए मैं यहाँ पर मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, इसके बाद मैं सनस्क्रीन लगाऊंगी, क्योंकि आजकल का ये धूप में आप एक दिन भी बाहर रहोगे ना पूरा, एक दिन नहीं मतलब एक मिनट भी आप बाहर रहोगे तो पूरा जल जाओगे, इसलिए जाने से पहले सनस्क्रीन अप्लाई करना तो बनता है। Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love. Yeah, I surround my soul with the positivity.
That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world. तो हम लोग यहाँ पर घर आ चुका है. याया को भी डायरेक्ट आते हुए मम्मी हम दोनों ने ले लिया है. मम्मी का काम करते करते 12 बज चुका था, तो याया का स्कूल भी 12 बजे को ही छुट्टी होता है, इसीलिए इसको डायरेक्ट हम दोनों ने ले लिया है. और यहाँ पर आते ही वो बता रहे मामा उसका जूता ख़राब हो गया. मामा ऐसा बोला दिखाओ, बोले तो देखा है तो पूरा उसका छिल गया. आई थिंक वो आजकल स्कूल में बहुत स्लाइडिंग खेलते हैं ना, तो उसी के कारण ये देखिए उसका पूरा फाड़ गया बीच से उसका जूता. तो यहाँ पर वो बता रहे थे मम्मी मुझे एक और ले दो बोल के, तो शाम को चलते हैं तब जरूर ले दूंगा, मैंने उसे कहा है कि. और यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर बैठ ही रहा था कि लंच करके याया का एक पार्सल आ गया है. उसका बहुत दिनों से उसे मैंने कपड़ा नहीं मंगा दिया था, तो यहाँ पर एक आया है, देखती हूँ कैसे आया है कपड़ा. ऑनलाइन पे तो बहुत साइट पे बहुत सुंदर और क्यूट दिख रहा था, पर यहाँ पर मुझे इसका कपड़ा का क्वालिटी का अच्छा नहीं लगा है. ये देखिए, देखते हैं पहनने के बाद कैसे देखेंगे, बाद में से मैं ट्राई करके दिखाऊंगी. अभी तो वो उसका आयोग के साथ देखिए क्या मैं बिजी है. उसके बाद देखिए हम लोग शाम होते ही मार्केट पे आ गए हैं. यहाँ पर आते ही मम्मी ये देखिए बहुत ही वो आजकल गाले बनाते हैं ना, यहाँ पर वो देख रही है उसके लिए. और यहाँ पर पता नहीं क्या कि रोलेक्स के. उसके बाद ये सब लेने के बाद हम लोग सीधा यहाँ पर आ गए हैं मम्मी के लिए ग्रोसरी शॉपिंग करने. जब भी वो पासीघाट आते हैं तो यहाँ से खूब सारा ढेर सारा ग्रोसरी शॉपिंग करके ले जाते हैं. तो आज ये बोल रही है कि इतने लेने के लिए नहीं है, तो देखती हूँ क्या क्या लेना है. उसके बाद सीधा ये देखिए हम लोग KFC पहुँच गया है यया का डिमांड पर. वो बहुत दिनों से KFC कर रहा था, तो उसका आयो भी बोला चलो चलो ले जाओ. तो हम लोग तीनों यहाँ पर आ गए हैं. उसे तो बहुत ही यहाँ का KFC का चिकन पसंद है, तो मम्मी भी बहुत दिनों के बाद आए तो उसे भी खिला रही हूँ और उसे भी पसंद है ये सब खाना, मेरे मम्मी को भी. इसके बाद हम लोग सीधे घर आ गए हैं. घर पर क्या क्या शॉपिंग किया था वही दिखा रहे हैं. वो पूरा तो वहाँ पर हम लोग वीडियो नहीं बना पाए. ये चप्पल वो बता रहे हैं ये आयो आपके लिए लाए, पर ये तो कहा उसका पापा का लड़का चप्पल इतना बड़ा. और यहाँ पर इसका ये देखिए नया शू लाया उसी कोई, वो फिर से मुझे एक्चुअली दिखा रही थी. एक्चुअली इसको इसका पापा और वही जाके लिया था. मम्मी हम दोनों अलग शॉपिंग कर रहा था और ये दोनों इसके लेने चला गया था, इसे वो मुझे यहाँ पर दिखा रहे. मम्मा ये देखिए मेरा नया शू बड़ा वाला लेके आया है, बोले तक जल्दी सुबह जब मैं इसे कल पहन के जाऊँगा वही बोल रहे. सभी बच्चे ऐसा होते हैं ना, जब भी नया चीज़ होते तो उसको बहुत ही जल्दी से स्कूल जाने मन होता है. तो हम लोग शॉपिंग करके वो करके बहुत ही थक गए. अभी थोड़ा सा रेस्ट करके और ये सब जो सामान पहला पड़ा हुआ है ना सब मम्मी का, ये सब को समेट के मुझे जल्दी से डिनर भी बनाना है. हम लोग तीनों ने तो भूख खाया है, इतना भूख भी नहीं लग रहा है. मम्मी को भी भूख नहीं लग रहा है बोले, लेकिन यया का पापा के लिए तो बनाना ही पड़ेगा. तो ये सब को मैं समेट के जल्दी से थोड़ा सा रेस्ट करके नहा धो के इसे भी नहला के डिनर की तैयारी कर लेती हूँ. तो तब तक के लिए मैं आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ. मिलती हूँ आप लोगों को एक और नए ब्लॉग के साथ. और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले. तो मिलती हूँ आप लोगों को एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर.